नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आसान है पर। और आज हम पढ़ेंगे ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो देखते रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक। इससे पहले हमने ई कॉमर्स के MCQ सॉल्व किए हैं। यदि आप यह वीडियो देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि आप वीडियो का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से वीडियो का PDF मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब हुई? 1970, 1971, 1973, 1974। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1970। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना ई गवर्नेंस के क्षेत्र में पहला कदम है और भारत में पहली बार ई कॉमर्स का प्रयोग 1970 में हुआ है। सो आपके यहाँ से पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना कब हुई? 1970, 1971, 1976, 1974। इसका राइट आंसर है 1976, ऑप्शन सी। सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्था है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है एवं वर्तमान महानिदेशक नीता वर्मा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम कब शुरू किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1970, 1971, 1976, 1987। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू किया गया? 2001, 2000, 2009, 1987। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1 जुलाई 2015, 2 जुलाई 2016, 3 जुलाई 2015 या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1 जुलाई 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई शासन के उद्देश्य क्या हैं? नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का पालन करना, शासन दक्षता में सुधार या यह सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा G2G का सही उदाहरण है? प्रगति, उमंग, MP ऑनलाइन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रगति। G2G का मतलब होता है सरकार से सरकार के बीच में इलेक्ट्रॉनिक डाटा का आदान प्रदान। जैसे प्रगति ऐप है, यह केवल सरकार के लिए है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत मंत्रालय के द्वारा या राष्ट्रीय सूचना केंद्र के द्वारा यानी NIC के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC का फुल फॉर्म क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं NIC का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि NIC बहुत इंपॉर्टेंट साइड है। यह भारत सरकार की लगभग 90% कार्यों को करती है, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस हैं, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, NIC की स्थापना कब हुई? 1996, 1997, 1998। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1996 में NIC की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 11 है, NIP का फुल फॉर्म क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, NIP का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इंटरनेशनल ई गवर्नेंस प्लान, इंटरनेशनल ई गवर्नमेंट प्लान, इंटरनेशनल ई गवर्नेंस प्लान। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, इंटरनेशनल ई गवर्नेंस प्लान्स। आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट गवर्नेंस में R का क्या अर्थ है? आपको यहाँ से स्मार्ट गवर्नेंस का फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि किसी भी अक्षर का मतलब पूछा जा सकता है। सो चलिए देखते हैं,
स्मार्ट में एस का मतलब होता है सिंपल या सरल, एम का मतलब होता है मोरल या नैतिक, ए का मतलब होता है अकाउंटेबल या जवाबदेही, आर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिव या उत्तरदायी, टी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी। सो आपको आर का रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले ई गवर्नेंस का प्रयोग कहाँ किया गया था? चीन, ब्रिटेन, अमेरिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है अमेरिका। 1969 में सबसे पहले अमेरिका में ई गवर्नेंस का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन की शुरुआत कब से हुई? 1997, 1998, 1999, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 1997, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना कब हुई? 2010, 2011, 2012। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2010। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह भारत में ही नहीं बल्कि भूटान में भी लागू है। इसका काम यह है कि अकादमिक संस्थाओं को तेज गति वाले इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन सर्विस सेंटर CSC की शुरुआत कब से हुई? 2009, 2010, 2012। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2009। 16 जुलाई 2009 को कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित होने वाला विश्व का प्रमुख आयोजन कौन सा है? सार्क, कॉक्स, कॉप। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है कॉक्स। यह हर साल लंदन में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वान का अर्थ क्या है? स्टेट वाइड आर्टिफिशियल नेटवर्क, स्टेट वर्क एरिया नेटवर्क, स्टेट वर्क एडमिनिस्ट्रेशनल नेटवर्क, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है स्टेट वर्क एरिया नेटवर्क। यह मध्य प्रदेश का एक पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन प्रमाण संबंधित है पेंशन भोगियों से, वात्सल्य से, चिकित्सा से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है पेंशन भोगियों से। जितने भी लोग पेंशन प्राप्त करते हैं उनके आधार पर वेरिफिकेशन के लिए यह बायो वेरिफिकेशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र नाम का यह ई गवर्नेंस टूल शुरू किया गया है ताकि पेंशनर को अपनी सेवाएं आसानी से मिल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है ई वेज पोर्टल, मोबाइल सेवा, दर्पण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है ई वेज पोर्टल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है, या इन्होंने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPI का क्या अर्थ है? यूनियन पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम ऐप संबंधित है ऑनलाइन शॉपिंग से, डिजिटल भुगतान से, डिजिटल लर्निंग से, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है डिजिटल भुगतान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल से लेकर स्नातकोत्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला पोर्टल कौन सा है? कॉस्मोस, मोबाइल सेवा, स्वान, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई नाम का अर्थ क्या है? नेशनल एरोमेटिक मार्केट, नेशनल आर्टिफिशियल मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COVID-19 की स्थिति के दौरान निम्न में से कौन से ऐप ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आरोग्य जीवन, आरोग्य सेतु, ई नाम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आरोग्य सेतु।